सो हेलो एवरीवन, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मैंने ये RWA पर मिनी मॉक टेस्ट लगाया था मैथ्स का, जो कल ही अपलोड किया है इन लोगों ने 13 नवंबर को। तो मैं इसका स्कोर आपके साथ शेयर करूंगी और इसका लेवल कैसा था वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। साथ ही साथ अगर आप लोग RPF SI और कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वाला मिनी मॉक टेस्ट देना चाहिए या नहीं, आपको ये हेल्प करेगा या नहीं, या कितनी हेल्प करेगा, ये हम इसमें जो है ऑनेस्ट रिव्यू में आपको देने वाली हूँ इस वीडियो में। और आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस मिनी मॉक टेस्ट के बारे में, आप भी जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट के लेवल की। अगर बात करें मॉक टेस्ट के लेवल की, तो मॉक टेस्ट का लेवल जो था मुझे मॉडरेट टू टफ लगा। थोड़े टफ क्वेश्चंस भी थे और साथ ही साथ काफी लेंथी क्वेश्चंस थे। उनको पढ़ने में तो टाइम जा रहा था, सॉल्व करने में भी टाइम जा रहा था, मतलब पढ़ने में काफी टाइम जा रहा था उसमें, ठीक है। और अगर आप लोग RPF SI और कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है उसमें आपका एडवांस मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री और अल्जेब्रा नहीं है, और इस वाले मिनी मॉक में उन्होंने ये भी डाला हुआ था। तो अगर आप लोग अभी रिसेंट सिर्फ RPF SI को टारगेट कर रहे हैं बेसिकली और RPF कांस्टेबल को भी टारगेट कर रहे हैं, तो ये मॉक टेस्ट बिल्कुल भी आपके लिए नहीं बना है। इसका पहला रीजन तो ये है कि इसमें इन्होंने सिलेबस जो है वो ऐड किया हुआ है अल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का, जो आपका RPF SI और कांस्टेबल में नहीं है, और आपको ये मॉक टेस्ट नहीं देना चाहिए। इसका दूसरा रीजन ये है कि आपका RPF SI का जो है एग्जाम अभी रिसेंट आने वाला है, जिसमें आपके 35 क्वेश्चंस आते हैं, और इस वाले मिनी मॉक में आपके सिर्फ 25 क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस होगी। आपको जो है 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की आदत पड़ जाएगी एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे वहां पर आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा कि आपको आदत तो सिर्फ 25 क्वेश्चन सॉल्व करने की है और वहां पर आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा और आपका टाइम के अंदर नहीं आ पाएगा वो चीज। तो अगर आप लोग RPF SI को टारगेट कर रहे हो तो ये वाला मिनी मॉक तो आप बिल्कुल भी मत देना। अगर आप लोग RPF कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तब तो बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं देना चाहिए आपको, क्योंकि ये लेवल RPF कांस्टेबल का लेवल यहां है और इन्होंने यहां रखा हुआ है इन्होंने इस वाले अपने मिनी मॉक का लेवल, ठीक है। और आपको मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछो तो कहां से प्रैक्टिस करें मैथ्स की, तो आप टेस्ट बुक से ही करो, क्योंकि उसमें और 35 क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपके एग्जाम में 35 क्वेश्चंस आएंगे। आपको आदत होनी चाहिए कि 35 क्वेश्चंस कितने टाइम के अंदर करने हैं। अगर आप ये 25 क्वेश्चंस के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद करोगे, एक तो आपको 25 क्वेश्चंस करने की आदत पड़ जाएगी, तो 35 क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा लगेंगे एग्जाम में। आपको आदत होनी चाहिए 35 क्वेश्चन को इन टाइम करने की। तो आप टेस्ट बुक पर ही अपना सेक्शनल मॉक लगाएं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और आपका क्या ओपिनियन है इस मॉक टेस्ट को लेके, अगर आपने अटेंड किया है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या मैंने सही ओपिनियन दिया है या रॉन्ग दिया है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को अपना स्कोर दिखा देती हूँ। ये मेरा स्कोर है, 25 क्वेश्चंस थे जिसमें 30 मिनट का टाइम मिला था, मैंने 25 अटेम्प्ट किए जिसमें मेरे 23 जो है वो करेक्ट थे और 2 क्वेश्चंस जो है मेरे इनकरेक्ट थे। आप मेरा स्कोर और परसेंटाइल वगैरह देख सकते हो। तो ये मेरा स्कोर रहा और मैंने आपको अपना ओपिनियन बता दिया है, पूरा एनालिसिस बता दिया है इसका। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।